डेली सुबह सुबह उठ के मैं व्लॉग बनाता हूँ, उसके बाद शाम को एडिट भी करता हूँ, लेकिन उसको यूट्यूब में डाल नहीं पाता हूँ क्योंकि उतना खास बनता नहीं है, उतना कंटेंट मैं आप लोगों को दे नहीं पाता हूँ। सो इसलिए 8 दिन से मेरे पास मतलब मैंने कोई व्लॉग अपलोड ही नहीं किया यूट्यूब चैनल पर, कोई ये नहीं था। सो गैप हो गया 8 दिन का, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। सो आज व्लॉग आएगा, आज मतलब ये वाला व्लॉग कल आ जाएगा, कल तक आना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि आ जाए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, आई होप यू गाइज डूइंग एब्सोल्युटली। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कैमरा मतलब मेरा जो पिक्चर क्वालिटी है वीडियो का, उसका थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, अभी इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब नया कैमरा अफोर्ड करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। आईफोन को मैं एज अ कैमरा यूज़ करूँगा मेरा व्लॉगिंग सेटअप, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, इससे पहले वाला व्लॉग जो मेरे को पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि इससे पहले जब मैं कोलकाता में था, मैं ऑलरेडी व्लॉगिंग सेटअप मेरा माइक मेरा ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ मेरे पास है। सो उसको मैं सेटअप करूँगा, अभी ये बैग पे है, ऊपर वाला ये लाल वाला बैग पे है। सो उसको मैं उतार के पूरा क्या है, मेरा पिक्चर क्वालिटी एकदम धमाकेदार रहेगा। मतलब इसमें जैसे लाइनिंग वगैरह आता है वो तो लाइनिंग नहीं है। आईफोन का सबसे अच्छा जो है वो है कलर, जो एकदम कलर जो है वो एकदम डायरेक्ट वही प्रोमिनेंट कलर दिखाएगा, दूसरा कुछ कलर नहीं दिखाएगा। सो इसलिए मैं तो एकदम मतलब सोच ही लिया कि उसको मेरे को लेना है उसको। तो यहाँ पे दोपहर का खाना बन रहा है, मेरा चावल बन रहा है, और बाकी दोपहर का जो खाना है इसमें दाल वगैरह है। यहाँ पे दो तरह का दाल है और मच्छी फ्राई है। अभी मच्छी फ्राई को उसको मेरे को ग्रेवी बनाना है। और एक चीज़ मेरा फ्रिज से अभी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो रहा था, मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया था कि ये वाला लॉक लगा के, लेकिन अभी मिनट भाई रे। सो एक मिनट, प्रॉब्लम यही हो रहा है कि ये वाला लॉक अभी इसका जो ग्लू है ना, ये वाइट वाला पार्ट जो है इसका ग्लू है, तो ये ग्लू ख़त्म हो रहा है तो इसलिए लॉक खुल जा रहा है। सो लॉक खुलने से यहाँ पे गैप हो रहा है और नीचे से पानी फिर से निकलना शुरू हो रहा है। सो मैं अभी कोशिश यही करूँगा कि इस वाले रबड़ को मैं चेंज करने देने के लिए, ये अगर चेंज कर देता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमेजोन से मैंने मंगवाया था, ये बहुत ही अच्छा है, ऑलिव ऑयल है जीवो का। मैं अभी इसको खोलता हूँ, खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ इसका पैकेट कैसा है और ये किस काम के लिए यूज़ कर सकते हो, कैसा खाना वगैरह सब कुछ बना सकते हो, मैं सब कुछ बताता हूँ। पहले इसको खोल लेते, तो मैंने बेसिकली इसको 5 लीटर का मंगवाया था इसीलिए क्योंकि ये 5 लीटर का सस्ता आ रहा था। और ये ऑलिव ऑयल है, पोमेंस ऑलिव ऑयल जीवो का। सो ये बहुत ही अच्छा, बेकिंग करो फिर कुछ फ्राई करो फिर कुछ कुकिंग करने के लिए, मतलब ऑल टाइप ऑफ कुकिंग के लिए बहुत ही अच्छा, और डेली यूज़ के लिए तो और भी अच्छा है। मैं तो इस कुछ दिन था नहीं करके मैं तो ये कड़वा तेल खा रहा था, अभी ये मेरा पूरा एकदम कम हो गया। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल है, जिनको पता नहीं है, सरसों का तेल मैं खा रहा था। तो अभी उसको मैं बंद कर दूंगा करके, जैसे मैं पहले ऑलिव ऑयल खाता था फिर से मैं ऑलिव ऑयल खाना स्टार्ट करूंगा। 27 फेट का थोड़ा बहुत मतलब प्लान मेरा दिमाग में है, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करूं बाहर वही मैं सोच रहा हूं। लेकिन प्लान को मैं एग्जीक्यूट अभी नहीं कर सकता क्योंकि ये चैनल मेरा बीवी भी देखता है। अभी जो प्लान है वो मेरा बीवी के लिए है, सो मैं सोच रहा हूँ उस प्लान को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ। तो कुछ कुछ प्लान मेरा दिमाग में है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसको लेके ही अभी सोच रहा हूँ कि क्या। देर तक इसको पता नहीं चल रहा था इसको खोलूँ कैसे, लास्ट में जाके इसको मालूम पड़ा कि इसको प्रेस करके ऐसे घुमाने से ये वाला खुल जाता है। तो इतना अच्छा सिस्टम है लेकिन पता ही नहीं चल रहा था। लास्ट में जाके ऐसे दिमाग लगाया कि इसमें कुछ तो लिखा है भाई, उसको देखा पढ़ा फिर जाके मालूम पड़ा कि ऐसे हाथ देने से फटाक से खुल जाएगा। मेहनत करके मैंने खाना पकाया है और लास्ट में जाके बिरयानी लाना है। तो ये अगर पता ही था कि बिरयानी आज खाना है दोपहर को, तो पहले ही बिरयानी लाता था। इतना मेहनत करके चावल पकाया, सांभर गरम किया, सब कुछ किया, फिर भी बिरयानी लाना है, तो इसको क्रेविंग हुआ करके लाना पड़ा। चाय के लिए पानी यहाँ पे बिठा दिया है। सो ये आदत बहुत गंदा लगा है हम लोगों का कि काम ख़त्म करके आने के बाद शाम को बैठ के चाय पीना। पता है अच्छा है सेहत के लिए, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा बहुत चाय पीना ज़रूरी है, लेकिन हम लोगों का एक गलत मतलब नशा बोल सकते हो लग गया है कि डेली पीना है शाम को। सो ये चीज़ हम लोगों को छोड़ना है, नशा नहीं बनाना है। ऐसे नॉर्मल रिलैक्सेशन के लिए पी सकते हैं लेकिन एज अ नशा नहीं।
एक चीज़ देख के अभी ख़राब लगता है, जैसे अभी वॉर छिड़ा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच, ये देख के बहुत ख़राब लगता है कि आज के डेट में जाके एक लड़ाई होना, मतलब भाई ये सब चीज़ मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब एकदम ख़राब टाइप का है ये सब। मतलब अगर वॉर छेड़ेगा तो दो देश का कितना जीडीपी गिरता है, सब कुछ, मतलब उसका एक बोलो कि एक मतलब पैसों का भी एक घाटा होता है, फिर लोगों का भी नुकसान होता है, मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, फिर बहुत नुकसान होता है, मतलब बहुत है। तो लड़ाई झगड़ा क्यों भाई, ये चीज़ से मतलब मेरे को सच्ची में ये चीज़ एकदम अच्छा नहीं लगता। जैसे पकड़ लो हम लोगों का इंडिया का, जैसे मैं अभी भी देख रहा था, हम लोगों का इंडिया का बहुत सारा स्टूडेंट वहाँ पे मेडिकल पढ़ाई करने के लिए गया है, कुछ काम करने के लिए गया है, वो लोग भी तो फंसे हुए हैं सभी। हम लोग को क्यों, हम लोग छोड़ के दूसरा कंट्री का भी वहाँ पे काम करने के लिए गया है, वो लोग तो फंसे हुए हैं ना। ये तो कभी कम सोचना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, अगर करना है आपस में लड़ो भाई, दूसरों को क्यों नुकसान देते हो। तो जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे दूध चाय है, तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं तो दूध चाय नहीं पीता हूँ, फिर भी अभी दूध चाय पी रहा हूँ, मेरा तो एसिड होता है लेकिन मैं दूध चाय नहीं पी रहा हूँ। हम लोग जो पी रहे हैं ये वाइटनर, वाइटनर बेसिकली दूध की तरह ही होता है एक काम, लेकिन वो दूध नहीं है, वो क्या होता है सिर्फ कलर करता है और दूध का कोई प्रोटीन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ कलर रखेगा। अगर किसी को दूध चाय पीना है लेकिन दूध पी नहीं सकता, एटलीस्ट उसका कलर देखे मन भुला सकता है, तो भाई उसके लिए वाइटनर है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 और बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ, सिर्फ बोर हो रहा हूँ इस कारण कि कुछ काम नहीं है, घर में खाना पकाना नहीं है, सब कुछ हो गया। बैठे बैठे मतलब ऑफिस से काम खत्म करके घर आके थोड़ा बहुत खाना पका था, थोड़ा किचन का काम था, थोड़ा डाइनिंग का काम था, थोड़ा मेरा सिस्टम का काम था, तो सब कुछ हो गया है। सो अभी बैठे बैठे ना थोड़ा बोर हो जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। बेसिकली अभी फ़ोन देखने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ोन में अभी नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रहा है, वॉर वगैरह सब जगह में, मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब और अच्छा नहीं लगता अभी ये करने के लिए। सो अभी मैं देखता भी नहीं हूँ, आज तो देखा ही नहीं, थोड़ा बहुत देखा कि कुछ अच्छा वाला मिल जाए करके, कुछ कंटेंट मिल जाए करके, सो मिलता ही नहीं है, सब जगह में एक चीज़ खाली वॉर वगैरह ये सब ही चल रहा है। सो मैं तो ये चीज़ से मतलब साफ साफ खिलाफ हूँ। तो बेसिकली सुबह मैंने दो लाया था, दो पैकेट, एक बच गया था, वो शाम को मतलब रात को अभी डिनर के लिए वो यूज़ हो रहा है। सुबह भी आधा आधा करके हम दोनों मिलके खा लिए थे, अभी भी आधा आधा करके दोनों मिलके खा रहे हैं। आधा खाने से प्यार बढ़ता है, हमें एक पैकेट भी मतलब गोटा गोटा खा सकते थे, लेकिन आधा आधा खाने से प्यार बढ़ता है। विदाउट पापर बिरयानी खाने का मन नहीं होता है, इसलिए मैं सोचा कि चलो भाई थोड़ा पापड़ ही सेक लेते हैं। तेल डाल दिया, ये फ्राई पैन भी गर्म हो गया, फिर पापड़ मेरे को छोड़ना है यहाँ पे, ये भी रेडी है यहाँ पे, तेल थोड़ा और गर्म हो जाएगा इसमें छोड़ूंगा फटाफट, दो तीन पापड़ फ्राई कर लूँगा, बस ख़त्म काम। हाँ 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 पापड़ और बिरयानी भाई, ये वाला कॉम्बिनेशन ऑसम है, थोड़ा सा प्याज होता है तो और अच्छा लगता है। बेसिकली ये रात भर पंप चलाया था कि ये वाला ऑफ कर दिया यार पंप को, अभी जाऊंगा मैं अपना टिफिन बनाऊंगा, फिर 9:45 से मेरा काम शुरू है। सो एक और नया दिन का शुरुआत हो गया, उसके साथ साथ मेरा ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि कल रात को ख़त्म नहीं कर पाएगा, इसलिए ये वाले ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करना होगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल में जो जो नए हो वो लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बिना मत जाना, क्योंकि अभी भाई सब्सक्राइबर बहुत कम है, प्लीज़ इस गरीब पे थोड़ा सा देखो भाई, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग पे।